क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल जैसे कि कह रहे हैं, लगातार दावा कर रहे हैं, अभी तो चुनाव गुजरात में था लेकिन इसी बीच एमसीडी की भी घोषणा हो गई। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 20 सीट से ज्यादा बीजेपी इस बार नहीं लाएगी, बीजेपी 15 साल से सरकार चला रही है एमसीडी में। जीतेगा तो केजरीवाल पूरे बहुमत से ही आएगा। अच्छा, हाँ जी, ऐसा क्यों? ऐसा काम करके दिखाया, अगले ने सारा काम सुविधा दे रहा है वो। हाँ, काम करता है, दिखा तो रहा काम। ये तो एमसीडी का है यार, ये तो एमसीडी का ही है, एमसीडी का ही कह रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। केजरीवाल कूड़ा उठाएगा क्या? क्या केजरीवाल दिखाएंगे? केजरीवाल की वो तो उठाइए। हाँ, क्या कहेंगे भाई साहब? हमारे तो आम आदमी, आम आदमी नाम है जी, आम आदमी पार्टी जीत पक्का। क्यों आम आदमी पार्टी जीतना चाहिए? काम करके दिखाया उन्होंने। अच्छा, कौन कौन? बिल फ्री 200 मिनट तक हमारे इधर, पानी का और अपने स्कूल अपने पंजाब में फ्री हो गया। नहीं, अपने गुजरात में 300 यूनिट फ्री, दिल्ली में कौन सी चूतिया है? दिल्ली का भी 300 यूनिट है, केजरीवाल जी ने काम भी करा। दिल्ली का 300 यूनिट करवाओ, करेंगे वो, टाइम लगता है। दिल्ली में फ्री है ना बिजली? दिल्ली में काफी चीजें फ्री दी है, 200 यूनिट। अच्छा, और चाहिए आप? बहुत है। नहीं, जैसे पंजाब में 300 यूनिट फ्री करिए, गुजरात पर 300 यूनिट फ्री करिए, यहाँ भी 300 करो। अच्छा, यहाँ भी आपका मतलब कि आप ये डिमांड है कि यहाँ पर भी 300 यूनिट फ्री करो? अच्छा, केजरीवाल जीतेगा यहाँ, काम उन्होंने ठीक करा। बीजेपी 15 साल से सरकार चला रही है, इस बार पलट जाएगी पक्का पलटेगी, देखना आप। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बस काम देख के देंगे वोट यहाँ पे। हाँ, हम तो सब घर के झाड़ू भी देंगे, सब झाड़ू वाले हैं। ठीक, यहाँ पे जितने भी है झाड़ू भी देंगे, देखना। सब झाड़ू वाले, सब झाड़ू पे जाएगा। कोई वो देख लो, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो आप लोग वोट किए थे बीजेपी को पिछली बार, जीते थे ना? नहीं, हम तो पलट क्यों गए? हमारे तरफ तो वही जीता, हमने पहली बार, हमने पिछली बार जो वो जीते थे ना एमसीडी में, तो वही जीते थे। सरकार उनकी बनी है, लेकिन यहाँ से जो जीता है ना झाड़ू वाला जीता हमारे एरिया से। इस बार सरकार बनेगी, इसका कहना मतलब एमसीडी में केजरीवाल। क्यों आपको केजरीवाल क्यों पसंद? केजरीवाल पसंद पसंद है। आप थोड़े से आगे आ जाइए भैया, थोड़े से इधर इधर आ जाइए। एमसीडी में कौन जीत रहा है इधर इधर से? केजरीवाल है, केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, बाकी जा रहे हैं हम। दो मिनट बात करिए, 2 मिनट। कौन जीत रहा है मतलब केजरीवाल क्यों जीतना चाहिए? केजरीवाल को क्यों जीतना चाहिए? काम कर रहा है। कौन सा काम आपको अच्छा लगा? पूरा नहीं बता रहे हैं आप। अच्छा, ये तो वोट डरने के बाद पता चलेगा, ऐसा क्या पता चलेगा? नहीं, माहौल तो कुछ लगता है ना कि आप आम आदमी का, आम आदमी का चांस रहता है, आम आदमी पार्टी का चांस। क्यों चांस लग रहा है भाई? क्योंकि भाई ने काफी काम करे, इसलिए लोग कहते हैं भाई आम आदमी जीतनी चाहिए। हाँ, इसलिए। अच्छा, तो आपका भी पसंद वही है? हमारी पसंद और कुछ है। हाँ, हमारी पसंद आम आदमी नहीं हो सकती। हाँ, आपकी पसंद नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आम आदमी होना चाहिए। मगर यहाँ का जो बोलवाला तो आम आदमी है। अच्छा, आपको लगता है कि माहौल आम आदमी का है? हाँ, यहाँ भी जनता आम आदमी की पसंद है। अच्छा, केजरीवाल पसंद आ रहे हैं? उनका काम लोगों को पसंद आ रहा है? भाई मैं कह नहीं सकता ना, मगर लोग कहते हैं आम आदमी आएगा, आम आदमी आएगा भाई। कहते हैं जो कहते हैं, मेरी इच्छा ही नहीं है ना, मेरी कोई है नहीं, मेरा तो वोटा है। नोटा जो भी है, हम लोग कोई पसंद ही नहीं कैंडिडेट। कैंडिडेट मतलब पसंद नहीं आ रहा? कोई नहीं पसंद नहीं अपने, अब पसंद नहीं है तो नहीं, अब क्या कहें? कोई चेहरा भी तो होना चाहिए। अच्छा, आपके पसंद के कैंडिडेट को टिकट नहीं? कोई भी पार्टी? हाँ, कोई पार्टी। अच्छा, आंटी है, आंटी क्या कहोगी यहाँ पर, कौन किसको जिता रहे इस बार? क्या पता है? अभी तो कुछ पता नहीं है। कुछ तो अच्छा लग रहा होगा, केजरीवाल कह रहे हम जीतेंगे, बीजेपी कह रही हम जीतेंगे, कांग्रेस कह रहे हम जीतेंगे। वो हम कैसे बता सकते हैं? हाँ, नहीं, काम तो वोट तो आप ही को करना है ना। बताएंगे, सुनो तो सही, वोट तो आपको करना है ना। कुछ तो पसंद होगा, केजरीवाल कह रहे हमारा काम, हमारे काम दिल्ली के लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, तो आप तो दिल्ली में। कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, सारी जगह गंदी गंद है। यही तो हमारे पार्क में देखो कितना, यही तो वो भी कह रहे हैं। हाँ, वो भी कह रहे हैं कि एमसीडी के अंदर आता है, लेकिन उन्होंने सफाई नहीं किया, हमें जिताओ, हम सफाई करेंगे। दीदी पहले भाषण दे दो। भाषण नहीं, कुछ पूछ रहे हैं, भाषण नहीं दे रहे। आंटी आ जाए, इसे ना जाए, किसको जिता रहे हो इस बार? थोड़ा साइड जाओ, रास्ता छोड़ दो भाई। किसको जिता है तुम बताओ? हम नहीं, हम तो पूछने आए हैं, हम तो आपसे बात करने आए हैं। तो तुम बता दो, हम किसको जिता, हम तो किसको दे देंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने दिल्ली की बसों महिलाओं को फ्री कर दिया, महिलाएं हमसे खुश हैं, हमें वोट करेंगी। यही जानने आए हैं कि महिलाएं केजरीवाल को देंगे फिर वोट? बस और क्या है, उन्हीं को ही देंगे। जब फ्री बस कर रखे सब कुछ, इसने सही कर रखा तो केजरीवाल को ही देंगे। अच्छा, भाई मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ। हाँ, मैं तो जहांगीरपुर ही रहती हूँ। वोट तो दिल्ली में ही वोट करते होगे? अब बोल तो दिया आपको। अच्छा, आपने नहीं बोला। क्या बोलू,
क्या पसंद आ रहा है? केजरीवाल को। ठीक है, हम ये जानने आए हैं। अच्छा, यहाँ पर इस बार आम आदमी पार्टी, अच्छा, बीजेपी, अच्छा, कांग्रेस में, अच्छा, से कौन जीत रहा है एमसीडी में? एमसीडी में भाई किसने काम करा? जब से झाड़ू सरकार आई है नाले साफ नहीं हुए, मकान गिरने वाले हो रहे हैं। पार्कों में देखो क्या हाल हो रहा है, पार्कों में देखो क्या हाल हो रहा है, पार्क जगह देखो आप, पार्क में कूड़ा इतना हुआ पड़ा, बताओ क्या होगा। तो वो भी कह रहे हैं कि दिल्ली को कूड़े का ढेर बना रखे हैं। तो कूड़े का ढेर तो कांग्रेस के राज में भी था, कांग्रेस राज में कूड़े का ढेर नहीं था वहाँ पे। यही तो वो भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी यही कह रहे हैं कि 15 साल से एमसीडी में बीजेपी कर रहे हैं, इन्होंने काम नहीं किया 15 साल से। उधर 50 साल से कांग्रेस भी तो जब भी था कूड़े ढेर, जब नहीं था वो तो जब भी था वहाँ पे, जहाँ पे कूड़े ढेर वो तो रहेगा ही, कूड़े का जाएगा कूड़ा। लोग किसको पसंद कर रहे हैं? लोग किसको पसंद कर रहे हैं भाई? लोगों की मर्जी है, 1500 रुपए लोगों को 2000 रुपए फायदा हो रहा है, वो तो उसको देंगे, केजरीवाल को किसको देंगे भाई? 1500 रुपए का घर घर फायदा है, बिजली पानी फ्री मिली, और किसको वो क्या चाहिए उनको? अच्छा, क्या कह रहे हो? ऐसे कह रहे खूब आती है बिल, बिल आ रही है। हाँ, केजरीवाल कर रहे हैं फ्री है? सर फ्री नहीं है, फ्री नहीं है ना। अच्छा, खूब बिल आ रहा है मेरे। हाँ, किसको जिता रहे हो? किसको जिता रहे हो? कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ। अच्छा, कांग्रेस पसंद आ रही है आपको? हाँ हाँ। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं अंकल, किसको जिता रहे हो? झाड़ू को। झाड़ू को क्यों? ये कह रहे हैं कि झाड़ू ने उसी काम नहीं किया? नहीं, बढ़िया काम किया है, पानी फ्री कर रखा है, बिजली दे रही है, और क्या चाहिए? पानी बिजली मिल रहा है और क्या? ये कह रहे हैं पानी बिजली नहीं है, सही पानी बढ़िया आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। केजरीवाल किस बार जिताओगे क्या? हाँ, केजरीवाल को जिताएंगे। बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी सरमायेदार पार्टी है, सरमायेदार पार्टी अमीरों की है। अच्छा, अमीरों की पार्टी है, लेकिन वो 15 साल से यहाँ है, वो कह रहे हैं हमने अच्छा काम किया, दिल्ली वाले खुश हैं, हमें वोट करेंगे। कोई काम नहीं किया, झाड़ू ये कूड़ा कड़ा सी पड़ा रहता है, कोई सफाई कौन सी हो रही है इसकी? हाँ। एमसीडी तनख्वाह नहीं आ रही है, एमसीडी तनख्वाह नहीं आ रही है। अच्छा, केजरीवाल को और क्या क्या काम पसंद है आपको? केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 20 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी, पूरी बहुमत से आएगी, उसमें कहना क्या? हाँ, पूरी बहुमत से जीतेगी। कौन? झाड़ू। अच्छा, झाड़ू बहुमत से जीतेगी। अच्छा, आ गए अंकल, आ गए आज ही अंकल, इधर आइए, थोड़े से बात करनी, इधर से इधर आ जाइए। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा यहाँ पर एमसीडी में? एमसीडी में तो केजरीवाल से ही है। केजरीवाल क्यों पसंद आ रहा है लोगों को? पसंद आ रहा है, लोग कर रहे हैं उनको पसंद। क्यों पसंद कर रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा, यह हो कोई काम भी अच्छे कर रहे हैं वहाँ, कुछ गलत भी करे या ज्यादा अच्छे भी करे या कौन कौन से अच्छे काम किए? हाँ, मतलब कि स्कूलों में अच्छा काम है, मतलब कि और हॉस्पिटलों में अच्छा काम है, हॉस्पिटल में अच्छा काम है, हॉस्पिटल में अच्छा काम है, उसी वजह से लोग उनको पसंद है। हाँ, पसंद है। हाँ, बीजेपी के मतलब कह रहे हैं कि वो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हमें वोट करेंगे लोग। नहीं, मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह तो सही है, अपनी जगह तो ठीक है, बाकी देखो अगे क्या हवाई जहाज के कारखाने खोल दिए, रेलवे के कारखाने खोल दिए, और कहते हैं मोदी ने। हाँ, अच्छे काम करे मोदी, मोदी अच्छा काम कर रहा है, मोदी का काम थोड़ी है। लेकिन वोट देंगे आप कह रहे केजरीवाल को? नहीं उसको देंगे, बीजेपी को। अभी तो आप केजरीवाल को बोल रहे थे। नहीं तो मैं तो नहीं बोल रहा। अच्छा, बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी को वोट मोदी की वजह से? मोदी की वजह से। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं पूरी दिल्ली को बोल 40 साल किसको बसे हुए हो गए? 40 साल बसे हुए हो गए सुल्तानपुरी, कूड़े के ढेर तो हमने जब भी देखे थे और अब भी देख रहे हैं। मतलब ये खत्म ही नहीं होगा? खत्म ही नहीं होता। तो किस लिए? कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, साइड जाओ, साइड जाओ। तो फिर किस लिए वोट करते हैं? एमसीडी तो सफाई के लिए ही होती है ना? सफाई के लिए होती है, करते तो नहीं है, सब बीच वाले खा जाते हैं। अब इसी को देख लेना, बॉबी जी को। तो मतलब नहीं करें, जीतने के बाद सब ऑफिसर बन जाए। लेकिन यहाँ 15 साल से बीजेपी है ना सरकार, तो बीजेपी की 15 साल से है ना यहाँ, सब बीजेपी सब एक जैसे इस महकमे में, सब एक जैसे। एमपीडी सबसे बेकार भ्रष्ट महकमा है, भ्रष्ट है, फिर भी कह रहे हैं कि वोट नहीं को देंगे। क्यों पसंद भी? कोई भी ले लो, कोई भी पार्टी ले लो, कांग्रेस ले लो, आम आदमी पार्टी ले लो, बीजेपी ले लो, या एमसीडी के सारे भ्रष्ट आदमी ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट। लेकिन वोट करोगे उन्हीं को? मजबूरी है आपकी? मजबूरी है। अच्छा,
और भी तो लोग मौका सब सब तरह के आदमी जिनके जहन में जो होगा वो देंगे उसको, जबरदस्ती थोड़ी है। क्या लग रहा है क्या माहौल? अरे वही जीतेगा क्या बोलते हैं केजरीवाल, क्योंकि उसने अभी स्कूल में 2000 रुपए दिए थे बिजनेस करने के लिए, तो उससे बच्चों को यही बेनिफिट मिला होगा। इतनी सी उम्र से वो अभी से बिजनेस सीखेंगे, आगे जाकर तो और भी बेनिफिट रहेगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में। 12th में? हाँ। स्कूल में काम हुआ जैसे वो बता रहे हैं कि स्कूल में काम अच्छा किया हमने? स्कूल हुआ है, स्कूल बनाया दिल्ली में इतनी पैसे। बीजेपी तो कह रही है कि नहीं बस ये रंगाई पुताई करनी है, कोई काम नहीं है, अंदर पढ़ाई नहीं होता। सब जानते हैं हम 12th में ऐसे थोड़ा ना आ गए, हम अच्छे टीचर है, अच्छे स्कूल है, अच्छे हॉस्पिटल बनाया है दिल्ली में केजरीवाल ने काम किया है। कई कह रहे होंगे कि बारीक पूरी गंदा है, अरे वो तो झाड़ू लगाने नहीं आया, गंदा तो हम ही कर रहे हैं। नहीं वो केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि ये जो है ना एमसीडी की जो साफ सफाई काम एमसीडी का होता है, तो यहाँ पर बीजेपी है कह रहे हैं कि ये कूड़े का पहाड़ बना रखे हैं, पूरे दिल्ली को गंद मचा रखे हैं। कह रहे हैं इस बार इन्हें 20 सीट भी नहीं लाने देंगे, केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी को इस बार 20 सीट भी नहीं लाने देंगे। हाँ, लग रहा है आपको ऐसा क्या, मतलब ऐसे बोल दिए बस? अब देखते हैं वो तो क्या होगा। अच्छा,